हेलो एवरीवन टुडे वी डू वीडो कंप्यूटर वर्कशीट अबाउट कीबोर्ड फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे हर एक के साथ टू टू ऑप्शन दिए हुए हैं जो करेक्ट है उसको फिल करने ब्लैंक में फर्स्ट इज द डैश इज़ यूज फॉर टाइपिंग वर्ड्स विच कैन बी सीन ऑन द मोनीटर मोनिटर पर जो वर्ड्स दिखाई देते हैं किसके द्वारा टाइप किए जाते हैं ऑप्शन इज कीबोर्ड और माउस की बोर्ड की बोर्ड के द्वारा टाइप किए जाते हैं डैश की अल्फाबेट ए टू जेड तो कौन सी की होती है वो अल्फाबेट की थर्ड इज द डैश की आर यूज टू मूव द करसर कर्सर को मूव करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है एरो की फॉर दिस वी यूज डैश की टू मूव द नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है एंट्र की और डिलीट की में से एंटर की फिफ्थ इज डैश की इरेज द लेटर आफ्टर द करसर कर्सर के बाद जो लेटर होते हैं वो कौन सी की के द्वारा डिलीट किए जाते हैं डिलीट की के द्वारा जैसे हमारा कोई वर्ड है जैसे इरेज ही है ठीक है तो अगर यहाँ पे कर्सर है अगर हम डिलीट की दबाएंगे तो हमारा ए इरेज होगा अगर बैक स्पेस की दबाएंगे तो हमारा आर इरेज होता है ठीक है तो डिलीट की है जो कर्सर के बाद वाले लेटर को इरेज करती है नेक्स्ट इज राइट इन द मिसिंग लेटर इन द स्पेस प्रोवाइड यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड हुआ है उसमें मिसिंग लेटर को कंप्लीट करना है और उनकी स्पेलिंग को कंप्लीट करना है फर्स्ट इज़ स्पेस बार एस एस इ बी ए आर स्पेस बार सेकेंड इज लिट डीई एलई टी लीट थर्ड इज बैक स्पेस बी ए सी के बैक एस पी एस बैक स्पेस फोर्थ इज कैप्सलॉक कैप्सुलिफ्थ इज कीज के ई वाई एस कीज इज टिक दैक्ट आंसर ये एम सी क्यों है यहाँ पे हर एक में थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं जो ट्रू है करेक्ट है उसे टिक करना है अ कीबोर्ड लुक लाइक अ की बोर्ड किसके जैसे दिखता है टाइप राइटर जैसा टेलीविजन जैसा है बुक जैसा टाइप राइटर तो टिक द ए ऑप्शन सेकेंड इज अ की बोर्ड हैज की स्टैंडर्ड की बोर्ड में कितने की होती हैं ऑप्शन इज वन हंड्रेड टेन नाइन्टी एट वन हंड्रेड फोर करेक्ट आंसर इज वन हंड्रेड फोर सी ऑप्शन इज करेक्ट थर्ड इज द डैश की आर यूज फॉर टाइपिंग वर्ड एंड सेंटेंस वर्ड एंड सेंटेंस को टाइप करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है ऑप्शन इज नंबर की एंटर अल्फाबेटिकल। वर्ड और सेंटेंस के लिए अल्फाबेटिकल की यूज़ की जाती है। करेक्ट ऑप्शन इज सी फोर्थ इज द डैश की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द की बोर्ड कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी है स्पेस बार की वी ऑप्शन इज़ करेक्ट द डैश की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है एंटर की ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है जो ट्रू है उनके लिए टी राइट करना है और फॉल्स के लिए एफ फर्स्ट इज अ कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस फॉल्स कीबोर्ड क्या है इनपुट डिवाइस है सेकेंड इज द अल्फाबेट कीज आर यूज फॉर टाइपिंग वर्ड अल्फ़ाबेट की का यूज वर्ड को टाइप करने के लिए किया जाता है ट्रू थर्ड इज द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड ट्रू लॉन्गेस्ट की कौन सी है स्पेस बार की फोर्थ इज द डिलीट की रिमूव लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर हमने अभी किया था कि अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो ये डिलीट की बालवाले लेटर को रिमूव करते हैं यानी राइट साइड के करते हैं लेफ्ट साइड नहीं तो ये है फॉल्स बैक स्पेस की है जो लेफ्ट साइड से कर्सर के लेफ्ट साइड से रिमूव करती है लेटर को फिफ्थ इज द राइट एरो की मूव द कर्सर टू द राइट साइड यस ट्रू